हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज है 25 जुलाई और जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में कवर करेंगे, तो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक आपको जरूर देखना है। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो इस तरह का जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाना ना भूलें। साथ ही जो घंटी बटन है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होगी हमारी आने वाली वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। और आपको बता दें फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हो चुका हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और उसके बाद में जो गोल्डन एयर एजुकेशन के नाम से हमारा चैनल है उसके जाके आपको वहाँ पर फॉलो कर लेना है, या फिर आप डायरेक्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो यूट्यूब के अलावा अदर लेसन हैं हमारे वो कंटिन्यू आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो करेंगे। जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए, उसका राइट आंसर था दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप। देखिए, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में रहा है मैरकट, ये टेलीस्कोप का ही नाम है, और ये मैरकट नाम की एक टेलीस्कोप है जिसको जो साउथ अफ्रीका है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका जो टारगेट है वो है ब्रह्मांड के कुछ अनसुलझे पहलू है उन्हीं का रहस्यों का पता लगाने के लिए ही इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मैरकट। साउथ अफ्रीका के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ऐसी ही क्विज आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी, तो उसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। बट उससे पहले आज की करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है। तो देखिए, अभी रिसेंटली जो FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी है, और उसके रिलेटेड कुछ कथन दे रखे हैं, हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है इस इंडेक्स से संबंधित। पहला कथन बोल रहा है कि यह रिपोर्ट एटी करनी नामक संस्था द्वारा जारी की गई है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। दूसरा कथन बोल रहा है इस बार भारत को इसमें 11वां स्थान मिला है, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन बोल रहा है कि इस सूचकांक में टोटल 25 देशों को शामिल किया गया है, तो ये कथन भी आपका सही है। तो तीनों कथन सही है, आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त, सभी सही है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बता दूँ, टॉप 3 कंट्रीज की अगर बात करते हैं इस इंडेक्स के अंदर, तो पहला रैंक इस इंडेक्स में मिला वो मिला है अमेरिका को, दूसरा रैंक इसमें मिला है कनाडा को, और थर्ड पोजीशन इसमें मिली है जर्मनी को। इंडिया की अगर बात करते हैं हमारे इंडिया की, तो इस बार इंडिया को 11वां स्थान मिला है। पिछली बार जो 2017 की ये रिपोर्ट थी उसमें इंडिया को मिला था 8वां स्थान, और 2016 में इंडिया को मिला था 9वां स्थान। ये तीनों जो है आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में खबरों में रहा NRC का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, NRC की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है ये NRC। देखिए, NRC का यहाँ पे फुल फॉर्म आपने देख लिया होगा, हिंदी में इसको कहते हैं नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, यानी कि एक तरह से एक नागरिक जितने भी भारतीय हैं उनका एक रजिस्टर है, यानी कि इसके अंदर जो भारतीय जितने भी उनका पूरा विवरण इस रजिस्टर के अंदर दर्शाया गया है। अभी बात करते हैं इसके कब बनाए गए थे रजिस्टर, तो 1951 की जो जनगणना हुई थी उसी दौरान इस रजिस्टर को तैयार किया गया था। और अभी लेटेस्ट की बात करते हैं, लेटेस्ट में क्या हो रहा है, तो देखिए जो रजिस्टर है इसमें जो अपडेट की जा रही है, जो असम राज्य है उसके द्वारा इस रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है, यानी कि इसके बाद में क्या होगा कि जो रिजल्ट निकलेगा उसमें जिन लोगों के नाम जो है इसमें शामिल नहीं मिलेंगे उनको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, पूरे एक महीने का सरकार ने यहाँ पे चेतावनी दी है, पूरा एक महीना उनको दिया जाएगा साबित करने के लिए कि हाँ मैं इंडियन हूँ, ठीक है। अगर वो साबित नहीं कर पाता तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा उसको विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। ये अभी लेटेस्ट में यहाँ पे संशोधन हुआ है NRC से संबंधित। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके द्वारा उड़ीसा का जनजातीय एटलस नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा नवीन पटनायक के द्वारा। देखिए, नवीन पटनायक उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा जो एक पुस्तक है जिसका नाम है उड़ीसा का जनजातीय एटलस, इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। देखिए, अगर इस पुस्तक की बात करते हो तो इस पुस्तक में जो वहाँ के उड़ीसा के जो आदिवासी हैं, आदिवासी जनजातीय आबादी है, उसी की जानकारी इसके अंदर शामिल की गई है, और ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा हॉट पर भारत बांग्लादेश की पहली संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई है।
तो ये हुई है फ्रेंड्स त्रिपुरा के अंदर। देखिए त्रिपुरा जो त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, राजधानी है अगरतला, वहीं पे ये संपन्न हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बैठक, पहली संयुक्त बैठक जिसका टारगेट था सीमा पर होट तैयार करना। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं सीमा होट या फिर बॉर्डर होट होते क्या है, ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं बॉर्डर हॉट्स क्या होते हैं। तो देखिए हॉट्स मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो दुकानें होती है, ठीक है, एक पूरा बाजार होता है। तो अभी यहाँ पे क्या समझौता हुआ है, इन दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है कि टोटल जो हमारी जो मतलब कि बांग्लादेश की और भारत की जो बॉर्डर है, सीमा है, इस पर टोटल 6 जो है मार्केट लगाए जाएंगे, हॉट्स लगाए जाएंगे। और अगर बात करते हैं तो इस हॉट्स का जो मकसद होगा वो होगा दोस्तों जो दोनों देश है उनके बीच में जो व्यापार है उसको बढ़ाना ही इसका मकसद होगा। यानी कि दुकानें लगाई जाएगी तो कोई भी जो मतलब कि भारत का लोग यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, जो सेना के लोग हैं कोई भी, और जो बांग्लादेश का वो भी यहाँ पे खरीदारी करेंगे, तो दोनों देशों के बीच में जो है व्यापार को बढ़ावा इसमें मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे देखिए, तो जो बांग्लादेश की यहाँ पे हमने बात की है तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में वो है शेख हसीना, और यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ की करेंसी है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रही सेकतवर कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए सेकतवर कमेटी अभी एक गठित कर गई है सेकतवर कमेटी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य इसका गठन करने का वो है सशस्त्र बलों की मुकाबला क्षमता को बढ़ाने के लिए ही इस कमेटी का गठन किया गया है। देखिए जो हमारी भारतीय सेना है उसके लिए एक नए संसाधनों की खोज करना, इम्प्लीमेंट करना उनके लिए, यही इस कमेटी का मेन मकसद है। इसी के लिए ये कमेटी जो है गठित की गई है जिसका नाम है सेकतकर कमेटी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं देखिए इसका जो अध्यक्षता है, अध्यक्ष है इस कमेटी का वो है लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकतकर जो है इसके कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकतकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लोकसभा ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक 2017 को पास किया है जो किससे संबंधित है। तो देखिए अभी रिसेंटली लोकसभा ने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक है 2017 उसमें संशोधन किया है और इसको पारित किया है, ये संबंधित है ये विधेयक, वो है चेक बाउंस से संबंधित। चेक बाउंस के बारे में आप सभी जानते होंगे आई होप, एक बार थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी को चेक प्रोवाइड करवाता है पैसे देने के लिए, चेक दे देता है पैसे कैश की जगह, और उसको जब वो लगाता है या फिर उसके अकाउंट में पैसे है नहीं तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से बाउंस हो जाता है वो चेक। ठीक है, और वो जो जिसको चेक दिया गया है वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अभी संशोधन ये हुआ है कि अगर वो कार्रवाई करता है तो जो दंड के रूप में जो चेक देने वाला है उसको 20% राशि पूरे रकम की जो है देनी पड़ेगी दंड के रूप में, ये यहाँ पे प्रावधान इसमें ऐड किया गया है। और जो ये प्रावधान ऐड किया गया है वो किया गया है आईपीसी की जो धारा 143A है उसी को इसके अंदर ऐड किया गया है, इंक्लूड किया है। यानी कि आईपीसी 143A की जो धारा है इसमें यही प्रावधान आता है कि जो ब्याज वगैरह देने का प्रावधान इसके अंदर आता है आईपीसी की धारा 143A के अंदर, ये यहाँ पे इसमें संशोधन हुए हैं अभी रिसेंटली। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना व बाल बचत योजना की न्यूनतम वार्षिक जमा राशि 1,000 रुपये से घटाकर कितनी कर दी है। तो आपका राइट आंसर होगा 250 रुपये कर दी गई है। देखिए आपको ये तो जानते ही होंगे जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये कन्याओं से संबंधित जो मतलब कि लड़कियां हैं उनसे संबंधित ये योजना है, और इसमें जो इसकी शुरुआत की गई थी वो की गई थी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, अभियान है, उसी के तहत लड़कियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अकाउंट खोले जाते हैं लड़कियों के और उसमें एक वार्षिक जो है फिक्स किया जाता है डिपॉजिट की, आपको इतना पैसा इसमें जमा कराना है। पहले इसकी जो वार्षिक जमा राशि थी वो थी 1,000 रुपये, इसमें मिनिमम आपको जमाना कराने ही पड़ते थे हर साल के, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है इसकी जो सीमा है समय जो मतलब कि जो जमा कराने की जो लिमिट है वो कम करके 1,000 रुपये से कम करके टोटल 250 रुपये ही कर दी है, ये यहाँ पे इसके लिए कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले को बदलते हुए दिल्ली में किस जगह पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन को फिर से इजाजत दे दी है।
तो आपका राइट आंसर होगा जंतर मंतर और बोट क्लब। इन दोनों जगह पर आपको बता दें फ्रेंड्स, जो एनजीटी है इसने जो धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन है उनको बैन कर रखा था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें को बैन को हटाते हुए यहाँ पे अलाउ कर दिया है। कोई भी यहाँ पे इसके आसपास के एरिया यहाँ पे धरना दे सकता है और जो है आंदोलन कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कोई भी लोग हैं वो अगर शांतिपूर्ण धरना करते हैं तो ये उनका मौलिक अधिकार होता है। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण धरना हर किसी का मौलिक अधिकार होता है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये धरना वगैरह की जो यहाँ पे कंडीशन थी उसको वापस से अलाउ कर दिया है। थोड़ा सा एनजीटी की बात कर लेते हैं अब यहाँ पे। देखिए, एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि एक गठन मतलब कि एक संस्था, एक बोल सकते हो आप एक, ठीक है, संस्था। और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 2010 में, ठीक है। और इसका जो मकसद है वो यही है कि जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षण करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसने क्या किया था, कुछ दिनों पहले एनजीटी ने यहाँ पे बैन कर दिया था जो जंतर मंतर और जो बोट क्लब है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के धरने को या फिर आंदोलन को बिल्कुल बैन कर दिया था, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस से हटा दिया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखिए, हाल ही में खबरों में रही राजीव गौबा कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अभी एक रिसेंटली कमेटी गठित की गई है जिसका नाम है राजीव गौबा कमेटी। इसका जो मेन मकसद है गठन का वो है मॉब लिंचिंग का अंत करना, ही इसका मेन टारगेट हुआ इस कमेटी का। देखिए, वैसे कि मॉब लिंचिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियोज में काफी सारा बता भी दिया था आपको, शॉर्ट में एक बार हिंदी में बता देता हूँ। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कोई भी लोगों का ग्रुप है, समूह है, या फिर झुंड बोल सकते हो आप, ठीक है, और उस झुंड के द्वारा किसी भी व्यक्ति की बिना वजह अगर हत्या की जाती है तो उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग, ठीक है। तो ऐसे मामलों को ही निपटाने के लिए, इनको मतलब कि इनके समाधान के लिए ही इस कमेटी का गठन किया गया है जिसको नाम दिया गया है राजीव गौबा कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में पाकिस्तान हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ताहिरा सफदार को। ताहिरा सफदार जो है पाकिस्तान हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, हाल ही में किसके द्वारा चाइल्ड लाइन 1098 प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो ये की गई है बाल विकास, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इसी के द्वारा इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है, चाइल्ड लाइन 1098। और देखिए, इस प्रतियोगिता का जो मकसद यही है कि जो मतलब कि जो बच्चे वगैरह हैं उनके बढ़ावा देने के लिए, उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ही इस हेल्पलाइन का उद्घाटन, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। देखिए, चाइल्ड लाइन 1109 है, एक तरह से एक हेल्पलाइन नंबर है, आप कह सकते हो एक हेल्पलाइन नंबर है, 24 घंटे ही अवेलेबल होता है, जहां आप किसी भी बच्चे से संबंधित या कोई भी शिकायत वगैरह आप यहां पे प्रोवाइड करवा सकते हो, बिल्कुल ये टोल फ्री है। तो इसी से संबंधित प्रतियोगिता भी शुरू की गई थी। फिर देखिए, आज की क्विज है आपके लिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है आज का, किस राज्य में सुलभ जल नामक दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना की शुरुआत की गई है, यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसमें सुलभ जल नामक दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना शुरू की गई है। जो भी आपका राइट आंसर है इनमें से नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है, और इसका डिस्कशन करेंगे आंसर का हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट या फिर कोई भी आपका सजेशन है इस वीडियो के संबंध में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आप फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर जो भी यूज़ करते हो, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके। और अभी के इस वीडियो में इतना ही, बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।